ओके गाइस, तो हमने पिछली वीडियो में कर लिया था टाइप वन का न्यूमेरिकल। तो टाइप वन का न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा आई होप। तो टाइप टू का आज करना है न्यूमेरिकल, जिसमें अल्फा गिवन होगा और हमें एक्चुअल सेल्स या डिमांड गिवन होगी। इसमें फोरकास्ट नहीं गिवन होगा, सिर्फ डिमांड ही गिवन होगी हमें। और उसमें फॉर्मूला टू यूज़ करना है, फॉर्मूला टू यानी कि जो ये वाला रिलेशन था। तो जल्दी से अब करते हैं स्टार्ट और हम कोशिश करेंगे इसको भी ईजी वे में रिमेंबर कर पाए भी किस तरह ये हम न्यूमेरिकल आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो सेल्स ऑफ साइकिल इन ए शॉप इन 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स आर गिवन 110, 90, 120। कंसेक्यूटिव का क्या मतलब है? कंसेक्यूटिव का मतलब है लगातार, ठीक है जी, लगातार। तो सेल्स दी हुई है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग कांस्टेंट यानी कि अल्फा गिवन है। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सेल्स निकालनी है अगले महीने की, ठीक है जी। तो इसमें फोरकास्ट तो किसी महीने की नहीं दी हुई, तो क्या करना है हमने, जो हमने फार्मूला टू पढ़ा था एक्सपोनेंशियल, जिसमें हमने कहा था भी हाँ हर एक महीने जैसे जैसे हमारे पास ओल्ड डाटा होता जाएगा, जो हमारे पास डिक्रीज होता जाएगा, वन माइनस अल्फा डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है जी, रेट उसका। तो इसमें क्या करना है, हमें सेल्स दी हुई है 110, 90 और 120। सबसे पहले क्या है, मंथ आप लिखेंगे और सेल्स, इतना क्लियर है। कितने मंथ गिवन है, 3, तो 1, 2, 3, ठीक है जी। तो सेल्स क्या है, जो पहला होगा वो पहले महीने की होगी सेल्स, जो पहला नंबर है वो पहले महीने की होगी सेल्स, ठीक है जी। उसके बाद दूसरे, उसके बाद तीसरे। तो पहला नंबर क्या है 110, तो वो पहले महीने की सेल्स होगी। दूसरा क्या है 90, इसमें कोई डाउट, ठीक है। तो उसने क्या बोला है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सेल्स इन नेक्स्ट मंथ यानी फोरकास्ट निकालिए आप फोर्थ मंथ की। तो इसमें कैसे हम कर सकते हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक भी, जिस महीने की फोरकास्ट निकालनी है इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे क्या करें, उसके पिछले महीने की फोरकास्ट प्लस अल्फा, उससे पिछले महीने की डिमांड माइनस उससे पिछले महीने की फोरकास्ट, ये फॉर्मूला था। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में हमें फोरकास्ट नहीं गिवन है, तो फोरकास्ट की आप वैल्यू अपने मन में ज़ीरो पुट कर दीजिए, ठीक है। तो ज़ीरो पुट किया, ये कट जाएगा क्योंकि ज़ीरो है, ज़ीरो प्लस समथिंग ये चीज़ रहेगी, ये कट गया, ठीक है जी। इसको ज़ीरो पुट किया, समथिंग माइनस ज़ीरो तो वही आएगा समथिंग, तो ये भी कट गया। तो क्या बचा, अल्फ़ा इंटू डी टी माइनस वन। तो फोरकास्ट क्या आ जाएगी, अल्फ़ा इंटू डी टी माइनस वन, टी माइनस वन यानी कि जिस महीने की फोरकास्ट निकालनी है उससे पिछले वाला महीने की ये डिमांड है, तभी कह रहे हैं ना टी माइनस वन, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास महीने कितने हैं, 1, 2, 3, ठीक है, 3 महीने की सेल्स दी हुई है ना। तो फॉर्मूले में भी हमने 3 टर्म्स लिखनी है, इसका क्या मतलब है, पहले महीने की तो ये हो गई प्लस अल्फा, अल्फा वही रहेगा, तो जैसे दूसरा महीना होगा उससे पिछले वाला, तो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, टी माइनस टू आ जाएगा यहाँ पे, ये क्लियर है मैं क्या कह रहा हूँ, अल्फा तो वही रहेगा, उससे पीछे जाएंगे और 1 माइनस अल्फा कर देंगे, और जो टी माइनस टू आ जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट। अब तीसरे महीने का कैसे निकालेंगे, अल्फा इसका स्केयर हो जाएगा, ठीक है जी, ये टी माइनस थ्री हो जाएगा। तो इसमें 3 मंथ है इसलिए 3 टर्म्स आएंगी ये, ठीक है, मैंने इस तरह से किया हुआ है। तो अल्फा में पता है 0.2, उससे पिछले वाले महीने की डिमांड क्या है 120, प्लस अल्फा क्या है 0.2, 1 माइनस 0.2 और
T-2 यानी जिस महीने का निकालना है उससे 2 महीने पीछे, 1, 2 यानी कि 90 प्लस 0.2, 1 माइनस 0.2 का स्क्वायर, और T-3 यानी 3 महीने पीछे 110। ये चीज़ क्लियर है आपको? अगर एक और मंथ दिया होता तो अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा का क्यूब हो जाता, T-4 आ जाता। ये चीज़ क्लियर है आपको? तो आप आराम से हर एक की प्रोडक्ट निकालेंगे, तो इसमें गलती मत कीजिएगा। 0.2 इंटू, चाहे आपका 1 मिनट ज़्यादा लगे, 24 प्लस 14.4 प्लस 14.08। तो हर एक प्रोडक्ट को मैंने सोल्व कर लिया, इसको सोल्व करके 24 आ गया, इसको सोल्व करके 14.4, इसको सोल्व करके 14.08। तो हमने क्या करना है, सभी को ऐड 24 प्लस 14.4, तो आंसर आएगा हमारे पास 52.48। तो एक्सपेक्टेड सेल्स होगी इतने साइकल्स। तो प्रैक्टिकल में तो ये इतने साइकिल नहीं हो सकते, 53 होंगे, ठीक है जी। पर जो आपके पास आंसर है आपने वही भरना है गेट में। तो ये मैं दिखा देता हूँ कौन सा क्वेश्चन है ये। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, द सेल साइकिल इन ए शॉप। तो 52.48 है, क्लियर है अभी? तो एक और करते हैं गेट का ही न्यूमेरिकल। अभी ये आप ध्यान से समझिएगा, गेट 2003 का है, 2 मार्क्स का। तो अगर आपको पहले वाला आ गया है तो आप वीडियो पॉज करके आप खुद ट्राई करें ये वाला और आंसर फाइंड आउट करें। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द सेल ऑफ साइकिल्स इन ए शॉप इन 4 कंसेक्यूटिव मंथ्स दी हुई है। एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग एवरेज फैक्टर से 0.4 है अल्फा यानी कि दिया हुआ है। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सेल्स पूछा है नेक्स्ट मंथ, ठीक है जी। तो क्या करना है, सबसे पहले मंथ और सेल्स लिख लेनी है। तो एक साइड पे लिख लिया मंथ, एक साइड पे लिख ली सेल्स, ठीक है जी। तो मंथ कितने गिवन है, 4 यहाँ पे गिवन है ना, 4 कंसेक्यूटिव मंथ्स। तो मंथ आ गया 1, 2, 3, 4। तो पहले मंथ में कितनी सेल्स हुई, वो सबसे पहले दी होगी, ठीक है जी, 70। दूसरे में कितनी हुई, दूसरे पे, कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, 82, 95। उसने पूछा है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सेल्स किसकी, यानी कि 5वें महीने की फोरकास्ट निकाली है। तो क्या करना है, हमें पता है बेसिक फार्मूला, जिस महीने की फोरकास्ट निकालनी है उससे पिछले वाले महीने की फोरकास्ट प्लस अल्फ़ा, उससे पिछले वाले महीने की डिमांड, उससे पिछले वाले महीने की फोरकास्ट, ये है फार्मूला। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास फोरकास्ट नहीं है, फोरकास्ट को मान लीजिए 0 है, पुट कर दो यहाँ पे, फोरकास्ट यहाँ पे गिवन ही है ना, तो ये काट दो। तो हमारे पास एफ टी क्या आ जाएगा, अल्फा डी टी माइनस 1। तो बेसिक हमें याद हो गया, अभी एफ टी यानी कि, एफ टी यानी कि 5वें महीने की फोरकास्ट अल्फा डी टी माइनस 1 से स्टार्ट होनी है। तो नेक्स्ट मंथ की कैसे लिखेंगे, अल्फा रहेगा सेम, 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है जी। तो T-1 है, नेक्स्ट टर्म क्या होगी, T-2, ये क्लियर है। प्लस अल्फा रहेगा, 1 माइनस अल्फा रहेगा, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 हो जाएगी, ठीक है जी। एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है, तो T-2 था, T-3 आ जाएगा प्लस। तो कितनी देर तक चलना है, जब जहाँ तक हमें कितने महीनों की सेल्स दी हुई है उस पर डिपेंड करता है, 1, 2, 3, 4 यानी कि 4 टर्म्स आएंगी, 1, 2, 3 एक और रहेगी। अल्फा सेम रहेगा, 1 माइनस अल्फा का क्यूब हो जाएगा और T-4। ये चीज़ क्लियर है? अभी सारी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए,
तो फोरकास्ट क्या आएगी फिफ्थ महीने की, अल्फा गिवन है 0.4, DT-1, इसका क्या मतलब है, पाँचवें महीने की फोरकास्ट निकालनी है, T-1 का क्या मतलब है, उससे पिछले वाला महीना यानी कि चौथे महीने की सेल्स, ठीक है जी। प्लस अल्फा क्या है हमारे पास 0.4, 1-0.4, T-2 यानी कि पिछले दो महीने की जो डिमांड है, तो ये हमने निकालनी है फोरकास्ट फिफ्थ महीने की, इससे दो पीछे महीना कौन सा है, 1-2, 82, ठीक है जी। प्लस अल्फा का 0.4, 1-0.4 का स्क्वायर, T-3, 1-2-3 यानी कि 68, ये क्लियर है जी। प्लस अल्फा T-4, पिछले चार महीने चले जाओ 70। तो अगर हमारे पास एक और महीना होता तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाती, अल्फा सेम रहता, 1-α4 हो जाती, ठीक है जी। अब आप इसको सारे को सोल्व कर लीजिए, तो हर एक को आपने अलग अलग सोल्व करना है, तो सोल्व करके बताइए कितना आया। तो फर्स्ट टर्म को सोल्व करके हमारे पास आ गया 38, इसको सोल्व किया 19.68, इसको सोल्व किया 9.792 और इसको सोल्व किया 6.048, सभी को ऐड करके फोरकास्ट क्या आ रही है फिफ्थ महीने की, 73.52। तो हमारे पास फिफ्थ मंथ की होगी फोरकास्टिंग इतनी, ठीक है जी। तो क्वेश्चन था हमारे पास ये वाला जो गेट 2003 में आया था, तो इसमें फोर ऑप्शंस गिवन थे, हमारा आंसर क्या आ रहा था, 73.52, तो उसके क्लोज कौन सा है, बी 72। अगर ऑप्शंस नहीं होते तो आपने वही पुट करना था जो हमारा आंसर आया। तो अगर आप देखें इन्होंने भी 73.52 ये देखिए आप यहाँ पे, तो आंसर हमारा ठीक है यानी कि। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे टाइप 3 की बात। जय हिंद, वंदे मातरम।